स्वर्ग धाम में प्रभु के साथ जो भोजन करेगा वो मानव धन्य कहाएगा। धन्य कहाएगा स्वर्ग धाम में प्रभु के साथ जो भोजन करेगा वो मानव धन्य कहाएगा। शहर में विशाल भोज सजाया एक स्वामी ने एक शहर में विशाल भोज सजाया। ढेर सारे अतिथियों को अपने यहाँ बुलाया ढेर सारे अतिथियों को अपने यहाँ बुलाया। सुंदर पकवान बनाए दास दासियों को बुलवाया ऐसा सुंदर भोज देखकर कौन नहीं हर्षाएगा कौन नहीं हर्षाएगा। स्वर्ग धाम में प्रभु के साथ जो भोजन करेगा वो मानव धन्य को आदेश सुनाया जाके सब लोगों को बुलाना सेवक को आदेश सुनाया। हाल ही मैंने खेत खरीदा हाल ही शादी करके लौटा सुनिए बहाने अतिथियों के किसे क्रोध ना आएगा किसे क्रोध ना स्वर्ग धाम में प्रभु के साथ जो भोजन करेगा वो मानव धन्य कहाएगा वो मानव धन्य कहाएगा। स्वामी ने आसों से अपने सड़कों पर तुम जाओ कहा स्वामी ने आसों से अपने सड़कों पर तुम जाओ। अंधे लंगड़े कंगालों को भोजन पर ले आओ अंधे लंगड़े कंगालों को भोजन पर ले आओ। घर ना खाली अब ये रहेगा अब न कोई भूखा सोएगा पूर्व निमंत्रित लोगों में से कोई भोज न पाएगा कोई भोज न पाएगा। स्वर्ग धाम में प्रभु के साथ जो भोजन करेगा
पुण्य कहाएगा। स्वर्ग धाम में प्रभु के साथ जो भोजन